गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ फुल बॉडी वर्कआउट, जिसके लिए बस आपको अपनी बॉडी को सिर्फ रोजाना के 20 मिनट देने हैं और 15 डेज में आपका ओवरऑल बॉडी वेट ऐसे रिड्यूस हो जाएगा कि आपने बिलीव नहीं कर पाएंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा। ट्रस्ट मी, हर चीज पॉसिबल है, बस उसके लिए अंदर एक जज्बा होना चाहिए जो हमें सिर्फ एक दो दिन में शांत नहीं करना, बल्कि रोज बे रोज हमें अपने आप को खुद से मोटिवेट करना है। कैसे मोटिवेट करना है? अपने टाइट क्लोथ अलमारी में से निकालो, शीशे के आगे उन्हें पहन के देखो। जब आपके बहुत ज़्यादा टायर्स उसमें से दिखने स्टार्ट होंगे, आपका फैट दिखेगा, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, मैं खूबसूरत नहीं, मुझे उसको कम करना है। और फोटोज़ को ऐसे लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बल्कि आप सामने से स्टैंडिंग मोड में ले पाएंगे। तो फैट एक ऐसी चीज़ है जो बुरी तो लगती है और साथ में ढेरों बीमारियां आपके लिए लेकर आती हैं। तो ऐसे मोटापे से प्यार क्यों करना? थोड़ा सा अपनी जबान पर कंट्रोल रखो, मीठा और नमक को कम कर दो, क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो वाटर रिटेंशन ज़्यादा करता है, मतलब आपकी बॉडी में टायर्स को, बल्जेस को ज़्यादा पैदा करता है, तो आपने उसको अवॉइड करना है। तो आज बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है जिनको आपको फॉलो करना है और उसके बाद रिजल्ट आपकी आंखों के सामने। इसके साथ साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी प्यार देना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा हैंडल नोट करें इंस्टाग्राम का, जो है @ishraamehra, और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से स्टैंडिंग पोजिशन में खड़े हो जाना है, अपनी लेग को 1x1 करते वाइड करना है। कैसे? Like this, ठीक है। अगर जब आप जंप करेंगे तो आपको अपने टोस पे जंप करना है। वैसे मैंने शूज नहीं पहने हुए, मेक श्योर आप शूज जरूर पहने, इससे आपके पैर में इंजरी नहीं होगी। लेकिन फुल बॉडी वर्कआउट करने से पहले हमें करना है थोड़ा सा क्विक हमें वार्म अप, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि विंटर या समर से जब भी आप वर्कआउट करें तो आपके मसल में फुलनेस ना आए, इंजरी ना हो। तो चलिए उसको करते हैं। पहले इसके लिए सबसे पहले अपने हैंड्स को इस तरीके से रोटेट करें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद में अपने हैंड को इस तरीके से पुल करें, बैक साइड, डाउन साइड, डाउन साइड, बैक साइड, ठीक है। शोल्डर को यहां से, अपने एल्बो को यहां से होल्ड करें, देन बैक साइड, स्ट्रेच, होल्ड अगेन, अदर आर्म पे स्ट्रेच, होल्ड, गुड गोइंग। अब हमें क्या करना है, इस तरह से लेग को अप करना है, होल्ड, रिलीज, अदर लेग को होल्ड, रिलीज, बैक साइड पे होल्ड, रिलीज, होल्ड, रिलीज, एंकल रोटेट क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, स्लो स्लो, बहुत स्लो स्लो। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, तो क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, आपको बहुत स्लो मोशन में करना है। जो भी हम जॉइंट की एक्सरसाइज करते हैं उसको बहुत स्लो मोशन में करते हैं, राइट? थोड़ा सा डाउन साइड अपनी बॉडी को, राइट लेफ्ट, जस्ट खड़े खड़े, ठीक है, ओके, डन। वार्म अप हमारा कंप्लीट। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 20 टाइम्स, फर्स्ट एक्सरसाइज, और उसे करनी है 5 सेट। आपको जस्ट अपनी बॉडी को साइड टू साइड लेके जाना है, देन आपको मैट टच करना है, ऐसे ही फास्ट फास्ट अदर साइड, फास्ट फास्ट दी अदर साइड। ऐसे करने से आपकी फुल बॉडी एंगेज रहेगी और आपके वहाँ का ओवरऑल बॉडी का फैट टूटेगा। मेक श्योर जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपना फेवरेट म्यूजिक बहुत ही लाउड अच्छे से चला कर रखें, जो भी आपको पसंद है, लाउड या स्लो। तो क्या होता है, म्यूजिक
क्या होता है, हमारे एक ऐसा हार्मोन रिलीज करता है जिससे कि हमारा माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है ना, हम लेजी फील नहीं करते। आपकी बॉडी चार्ज रहती है, और जब आपकी बॉडी चार्ज रहेगी तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपने एक्सरसाइज को बोझा नहीं समझना, बहुत ही अच्छा समझना है, पॉजिटिवली लेना है, इंजॉय करना है, तो आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर पाएंगे। तो चलिए, इसको करना है हमें 20 टाइम्स और इसके करने हैं हमें 5 सेट्स। तो चलिए परफॉर्म करते हैं। आपको जितना बड़ा एरिया आपको मिल सके उतनी अच्छी बात है, ठीक है। आपने इतना वॉक करना है, देन अपने टोस को टच करना है, देन वापस बैक जाना है, अपने टोस को टच करना है, ठीक है। इस तरीके से वन बाय वन हमें परफॉर्म करना है, और जितना आप अपना फीट ऊपर लेके जा सके, ठीक है ना, जितना मैक्सिमम उतना आपने ऊपर लेकर जाना है, ताकि उससे क्या होगा, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपके लोअर टमी और अपर टमी बहुत अच्छे से रिड्यूस होगा, आपकी बॉडी थकेगी वॉक करने से, आपका इतने एरिया में वॉक भी हो गया और साथ में वर्कआउट भी हो गया, तो उससे बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है। तो फटाफट से 20 टाइम 5 सेट। के लिए हमें क्या करना है, हमें दोनों आर्म्स को ऊपर लेके जाना है और साइड पे लेके जाना है, ठीक है, अपनी लेग के साइड पे। 1 2 3 ऐसा हमें करना है 20 टाइम्स ईच लेग। 20 टाइम्स ये हमें करना है राइट साइड, और इसके करने हैं हमें 5 सेट। अप करना है, अप करते हुए जैसे हम घर में पोछा लगाते हैं, जो आजकल हम नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारा साइड फैट और बेली फैट बढ़ता जा रहा है, तो आज से ढंग से लगाना शुरू कर दो तो वैसे ही कम हो जाएगा। और अपने हैंड्स को इस तरीके से अप करना है, देन उसके बाद डाउन करते हुए लाइक दिस पूरा रोटेशन करते हुए हमें नीचे लेकर आना है, ठीक है। और ऐसा हमें करना है 20 बारी, ठीक है, और इसके करने हैं हमें 5 सेट्स। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट हो जाओ। टमी को हर एक्सरसाइज में आपने स्क्वीज करके रखना है, मेक श्योर कोर एंगेज।
और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो गाइज आई होप कि आपको मेरा ये फुल बॉडी वर्कआउट बेहद पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत देता है कि मेरी फैमिली मुझे इतना ज्यादा प्यार दे रही है। और आपने तो देखा ही है मैं अपने चैनल पर हर आपकी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आती हूँ, तो बदले में सिर्फ क्या चाहती हूँ, बस आपका एक लाइक, तो वो तो दे ही सकते हैं। लाइक करें और जमकर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।